ये दूसरा क्वेश्चन है, माइनस वाला भी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं वो कैसे है। देखो हमारे पास है 5x-1, हमने इसका भी क्या लेना है, मुकाब लेना है, यानी कि क्यूब लेना है। क्यूब लेने के लिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला। माइनस वाला क्यों लगेगा, क्योंकि दरमियान में माइनस, इधर प्लस अगर होता तो प्लस वाला फार्मूला लगता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा। इसको इस फार्मूले के मुताबिक खोल लेते हैं, हमारे पास जो ए है वो 5x है, जो b है वो हमारे पास है 1 है। तो इस फार्मूले में जहां a है वहां पे हम 5x लगा देते हैं और जहां b है वहां पे हम 1 लगा देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5x की ताकत 3, आगे माइनस b की जगह पे 1 आ रहा है, 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 a हमारे पास क्या है 5x और b हमारे पास है 1 into a minus b। मैंने अपनी रकम को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 5x का क्यूब, x 5 की ताकत 3 ले तो वो हमारे पास 125 बनता है, और x का क्यूब ले तो वो वैसे का वैसे ही x की ताकत 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास माइनस a का क्यूब 1 आ जाएगा, एक जरब एक, ये 1 के इक्वल ही आएगा। आगे 5×3=15, एक बार माइनस का 15x, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास 5x-1 वैसे है। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर जो सा है 15x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों रकमों के साथ। मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं 125x-1 15×5=75, एक्स की ताकत 2। अब ये बार माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर रखते क्या रहती है, चेन रहती है, तो ये रूल है। दूसरा क्या, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगी, 7×15x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15x बन जाएगा। अब इसको हम तरतीब से लिख देते हैं, तो हमारे पास 125x3 फिर 75x2 जमा 15x-1, और ये हमारे पास आंसर आ गया 5x-1 का।